साथ लड़ी थी। और मैंडेट जो महाराष्ट्र की जनता का है, जनता का बीजेपी के नेतृत्व में सरकार स्थापन करने का मिला था। बीजेपी को 1 से 5 सीटें मिली थी और 56 सीटें शिवसेना को मिली थी, तो दोनों ने मिलकर मतलब सरकार बनाने की आवश्यकता थी, लेकिन शिवसेना ने बीजेपी को धोखा दिया। 2019 में शिवसेना ने बीजेपी को धोखा दिया, लेकिन एकनाथ शिंदे ने शिवसेना का धोखा किया। मतलब एकनाथ शिंदे जी ने अलग होकर एक बहुत बड़ा चैलेंज माननीय उद्धव ठाकरे जी के सामने रखा है। कम से कम 42 MLA उनके साथ है, जो 56 MLA है उसमें जो 42-43 MLA अभी उनके पास है, और भी 4-5 MLA उनके पास आने की संभावना है। और अभी मतलब बहुत ही जल्द माननीय देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एक तो एकनाथ शिंदे जी ने देवेंद्र फडणवीस जी और बीजेपी के साथ बात करनी चाहिए, और बीजेपी ने भी एकनाथ शिंदे जी के साथ बातचीत करके बहुत जल्द ही मतलब अपनी सरकार स्थापन करने का जो पत्र है ये माननीय राज्यपाल साहब को देने की आवश्यकता है। और कम से कम 169-170 तक MLA मतलब NDA के साथ महायुति के साथ आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे जी ने बहुत बड़ा डेडरिंग कर दिया है। बहुत दिनों की नाराजी जो MLA की है, विधायकों की है, ये उन्होंने अभी इस निर्णय के माध्यम से मतलब उद्धव ठाकरे जी के सामने रखी है। और जिस तरह राज्य चलाना है वो चलाने के लिए माननीय उद्धव ठाकरे जी उतने कैपेबल नहीं थे, और उन्होंने मतलब बीजेपी को छोड़ने का निर्णय नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अभी उनको बहुत बड़ा फटका बैठा है। और अभी जल्द ही मतलब देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार, NDA की सरकार आएगी और एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन होगा। इसमें मुझे लगता है कि बीजेपी का कोई बिल्कुल हाथ नहीं है। ये जिम्मेदारी शिवसेना की थी, अपने MLA को संभालने की जिम्मेदारी शिवसेना की थी, लेकिन उन्होंने अपने MLA को एकनाथ शिंदे जी को संभालने में वो मतलब नाकामयाब हो गए है, और इसीलिए उसका आरोप बीजेपी पर लगाना अच्छी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं एकनाथ शिंदे जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा निर्णय ले लिया है। और जो बाला साहब ठाकरे जी कहते थे कि बीजेपी और शिवसेना ने एक साथ रहना चाहिए, उसी दिशा से पहल करने की कोशिश एकनाथ शिंदे जी की है, और जरूर बहुत जल्द ही महाविकास आघाड़ी की सरकार जाकर वहाँ महायुति की सरकार जो है ये सरकार वहाँ आ जाएगी। फिर कब तक सरकार का गठन लग रहा हो जाएगा सर? नहीं, सरकार का गठन बहुत जल्द होगा। अभी सभी एकनाथ शिंदे जी के MLA तो अभी गुवाहाटी में है, आसाम में है, अभी वो जल्द ही मतलब वहाँ महाराष्ट्र में आएगी, मुंबई में आएगी, और सभी का सिग्नेचर लेकर एक पत्र जो है दोनों पार्टियों का राज्यपाल जी के पास जाएगा, और राज्यपाल जी उस नाम को एग्जामिन करेगी, और देवेंद्र फडणवीस जी को सरकार बनाने का जो मतलब उनको निमंत्रण है ये निमंत्रण उनको देगी, और बहुत ही जल्द सरकार स्थापन हो सकती है। NCP शांत है सर? NCP की क्या भूमिका है? NCP शरद पवार? हाँ, शरद पवार जी शांत है क्योंकि अभी इतने दिनों के बाद सत्ता उनके हाथ में, कई साल सत्ता रही, लेकिन 2014 से 2019 तक उनके पास सत्ता तो नहीं थी, इसीलिए कांग्रेस NCP अस्वस्थ थे, अस्थिर थे, लेकिन अचानक मतलब शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे जी ने, संजय राउत जी ने ऐसा उल्टा निर्णय ले लिया, और उससे NCP कांग्रेस को सत्ता में मिली थी, लेकिन अभी एकदम हाथ से सत्ता जा रही है, ये देखकर मतलब उनमें नाराजी रहना हम समझ सकते हैं, लेकिन अभी NCP और कांग्रेस के हाथ से सत्ता जो चली गई है, एक तो पहले अगर ऐसा प्रयोग होता था कि जिस तरह अजित पवार जी ने और देवेंद्र फडणवीस जी ने एक साथ शपथ ली थी, तो NCP अगर बीजेपी के साथ आती थी तो भी तो सरकार 5 साल तक चलती थी, लेकिन NCP के अजित दादा पवार शपथ ग्रहण करने के लिए गए और फिर वापिस शरद पवार के पास चले गए,
तो पवार साहब ने तब ऐसा निर्णय लेना चाहिए था कि बीजेपी के साथ जाने से कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी मतलब बीजेपी के विरोध में था, शिवसेना के विरोध में था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इतना साफ नेतृत्व है, इतना क्लीन नेतृत्व है और भारत के भारत की जो स्थिति है उसको बदलने के लिए विकास की दिशा से नरेंद्र मोदी जी आगे देश को ले जा रहे हैं। तो ऐसे वक्त पर शरद पवार जी ने ऐसा निर्णय लेने की आवश्यकता थी, और अगर पवार साहब अगर शायद बीजेपी के साथ आते थे तो जो राष्ट्रपति पद के लिए अपोजिशन उनका नाम अभी मतलब सामने लाया था, लेकिन पवार साहब तो सब जानते थे कि भाई अपोजिशन वाले मुझे हराने के लिए खड़ा कर रहे हैं। अगर पवार साहब हमारे साथ आते थे तो उनको जिताने के लिए शायद राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी शायद बन सकते थे, लेकिन उस वक्त ऐसा निर्णय हुआ नहीं। तो मैंने बहुत बार मांग किया था कि भाई पवार साहब ने एनडीए के साथ आना चाहिए, बहुत सारी पार्टियां एनडीए के साथ आई है, नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए है, जॉर्ज फर्नांडिस मतलब एनडीए के साथ आए थे, बीजेपी के साथ आए थे, मैं बीजेपी के साथ आया हूँ, बीजू जनता दल बीजेपी के साथ आए थे, बहुत सारी पार्टियां जो है ये पार्टियां बीजेपी के साथ आई थी। तो पवार साहब ने भी मतलब ऐसा निर्णय लेने की आवश्यकता थी देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए, और नरेंद्र मोदी जैसे नेता को सपोर्ट करने का काम पवार साहब के अनुभवी नेतृत्व के माध्यम से होना चाहिए था, तो ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे लगता है कि उनके अभी वो शांत रहना तो दूसरा कोई उनके सामने अल्टरनेटिव नहीं है। अभी एकनाथ शिंदे ने इतने एमएलए को साथ में लाया है कि शिवसेना का खेल खत्म हो चुका है और अभी खेल शुरू हुआ एकनाथ शिंदे जी का। सर एक सवाल ये था कि सवाल अब ये भी उठ रहे हैं कि अगर आपके 35 से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले जाते शिवसेना के, तो असली शिवसेना कौन सी है? क्या उद्धव ठाकरे की है जो पास जितने एमएलए हैं और कार्डर उनके पास है, या अब शिवसेना का जो है पूरा वो बैलेंस ही शिफ्ट एकनाथ शिंदे की तरफ हो गया, तो असली शिवसेना आप कौन सी मानते हैं सर? अभी असली शिवसेना अगर इतनी शिवसेना के एमएलए अगर एकनाथ शिंदे के साथ आई है तो असली शिवसेना तो एकनाथ शिंदे की हम मानते है। इतने मतलब उद्धव ठाकरे जी का विरोध करके इतने एमएलए मतलब सामने आए है, और शिवसेना का विरोध उन्होंने किया है, लेकिन उन्होंने बाला साहब ठाकरे जी का जिक्र किया है कि हम बाला साहब ठाकरे के अनुयायी है और बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में हम तैयार हुए है। तो मुझे लगता है भाई असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, ना उद्धव ठाकरे की। तब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे जिम्मेदार किसको मानते हैं, क्योंकि बड़े टॉप शॉट पॉलिटिशियंस थे उस गठबंधन में, कई सारे पूर्व मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल थे, उनकी कैबिनेट में थे, कौन सबसे बड़ा जिम्मेदार है इस पूरे घटनाक्रम? नहीं, जिम्मेदार तो मतलब शिवसेना ही उद्धव ठाकरे जी और संजय राउत जी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि 2019 में जो मैंने पहले भी बताया कि दोनों मिलकर सरकार बननी चाहिए थी और मुख्यमंत्री बीजेपी का डिप्टी सीएम शिवसेना का बन सकता था, लेकिन मुख्यमंत्री पद का आग्रह करते हुए मतलब शिवसेना ने बहुत बड़ी गलती की थी, ना कि बीजेपी ने उनको कोई शब्द दिया था सीएम का। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र में विधानसभा के प्रचार में आते थे तब वो सभी जनता के सामने बोलते थे कि भाई दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, तो इसी तरह की भूमिका शिवसेना के सामने रखते थे, तब कभी शिवसेना ने वो बात निकाली नहीं। लेकिन जब आंकड़े ऐसे आ गए कि बीजेपी को अपेक्षा से कम सीटें मिली, बीजेपी को लगता था कि उनको 130 135 सीटें में मिलेगी, लेकिन वो 105 सीटें ही मिली, अभी तो बीजेपी उनके साथ 130 सीटें अभी है। तो इतनी कम सीटें मिलने से और दोनों मिलकर ही सरकार बन सकती है और शिवसेना के सपोर्ट से ही सरकार बन सकती है, ऐसा जब आंकड़े आ गए तब शिवसेना ने अपना पैर बदल दिया, अपनी पैर बदल दी और हमको भी मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए, इसी तरह का आग्रह संजय राउत ने बार बार किया। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार संजय राउत जी है और उन्होंने मतलब इसमें समेट करने की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने झगड़ा लगाने का काम किया बीजेपी शिवसेना में और कांग्रेस एनसीपी के साथ जाकर बहुत बड़ा धोखा अपने ऊपर ले लिया और अभी उसका अनुभव हम अभी देख रहे हैं और ये उनको अभी भुगतना पड़ेगा। जो एकनाथ शिंदे के साथ एमएलए है उनमें से कुछ लोगों को ईडी की नोटिस आई है, तो
ऐसे लोगों के साथ मुझे लगता है कि एक दो एकाधे एमएलए को आई है, वो जो बता रहे हैं कि भाई सबको नोटिस आई इसीलिए सब एमएलए उधर आए हैं, ऐसी कोई किसी एमएलए को नोटिस आई नहीं है। शायद एक अपने प्रताप सरनाइक जो है उनकी इंक्वायरी पहले कुछ हुई थी, लेकिन वो भी अभी कोई ज़्यादा इंक्वायरी नहीं थी, तो बाकी किसी एमएलए को नोटिस वगैरह बिल्कुल आई नहीं है, तो इसीलिए ऐसा कोई नोटिस का विषय नहीं है। और ईडी की इंक्वायरी कोई किसी पार्टी या किसी मंत्री ने बोलने की होती नहीं है, जो पेपर पर जो इंक्वायरी होती है, अगर अनियमित कोई रिकॉर्ड ईडी को मिलता है तो उसकी इंक्वायरी इसकी जांच होती है। जिस तरह राहुल गांधी जी की जांच हुई, जो मतलब नेशनल हेराल्ड के संबंध में अगर जांच गलत हो रही है तो आपने वहां से सही जवाब देना है, मेरी कुछ गलती तो नहीं है करके। लेकिन अगर ईडी के पास कोई जांच पेपर जब आते हैं तब ईडी उसको इंक्वायरी के लिए बुलाती है, चाहे कानून किसी से छोटा नहीं होता है, कानून सबसे बड़ा होता है, और कानून को चैलेंज करना अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कोई एमएलए को ईडी की नोटिस वगैरह नहीं गई है। चलो थैंक यू।